हेलो, सलाम, नमस्ते, सत श्री अकाल, केम छो, हेलो, हाय एंड वेलकम। अच्छा, मुझे देर हो गई कुछ वीडियो बनाने में, तो मुझे समझ नहीं आ रहा था मैं कैसे एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि कुछ बातें ऐसी होती हैं कि एक्सप्लेन करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है। ठीक है, तो पहला एक नोट देना चाहती हूँ आप लोगों को मैं, कि अगर कोई इल्जाम लगाए किसी की गैर मौजूदगी में कि फलां ने आपको ये कहा और आके आपको बताए, तो सबसे पहले वो बंदा कसूरवार है जो आपको आके कंप्लेन कर रहा है। क्योंकि मैं मेरे सामने अगर मेरे किसी जानने वाले की बुराई को कर रहा होगा, तो मैं उस वक्त ही मना कर दूंगी कि मेरे से क्या लेना देना इस बात का। जाइए, जाके आप डायरेक्ट उसको बोल दीजिए, मैं नहीं सुनूंगी। और अगर चले, अगर आपने सुन भी लिया तो आप यकीन ना करें, क्योंकि जब तक दोनों पार्टियां फेस टू फेस ना बैठी भी हो, तब तक आप किसी की भी बात का यकीन ना करें। ये मैंने वैसे भी जिंदगी से भी सीखा और कुछ बिग बॉस से भी सीखा है कि कैसे पीछे दिमाग के साथ खेला जाता है। तो आम आदमी आसानी से सुनना भी चाहता है किसी मेरे बारे में किसी ने क्या कहा है, तो वो वीक पॉइंट लोग इस्तेमाल करते हैं। तो मैं आप लोगों को बताना चाहती हूँ कि प्लीज इस बात पर गौर करिएगा कि अगर आपको कोई चुगली कर रहा है, आप किसी की आके सबसे पहले तो उसी के मुंह पर रैप्टा छोड़िए और ये पूछिए कि तुमने मेरे हिस्से का क्यों नहीं बोला, तुम मुझे जानते हो तो तुमने क्यों नहीं बोला, और अगर तुमने बोल दिया तो मुझे क्यों बोल रहे हो, मेरे सामने नहीं बोला, आई डोंट बिलीव। कि वेरी वेरी सिंपल फॉर्मूला, बात खत्म हो जाएगी, लोगों की हिम्मत नहीं पड़ेगी आपको किसी और का नाम लेकर खुद से बुरा कहने के लिए, क्योंकि लोग आपको बुरा कहना चाहते हो लेकिन खुद नहीं कह सकते, तो दूसरे का नाम लेके आपको आपकी डिग्निटी को हर्ट करते हैं। ठीक है। अच्छा, आज का टॉपिक जो है खास तौर पे वो ये है कि लोग जो है हमजाद हासिल करने के लिए, परियां हासिल करने के लिए, जिन हासिल करने के लिए छोटे छोटे टोटके करते हैं, जो कि YouTube पे इस कदर सॉरी इस कदर ज्यादा है कि जिसका कोई इंतहा नहीं है। हर बंदा देखता है, दो चार पेज पढ़े किसी भी किताब से तो चलो हम बता देते हैं, और इतना धोखा होता है, इतना धोखा होता है। तो कुछ ऐसे मेरे स्टूडेंट्स हैं जिनको मैं जानती हूँ, कुछ इंडिया से हैं, कुछ पाकिस्तान से हैं, तो उन्होंने मुझे फोन करके, क्योंकि मेरी वीडियोस में मैं किसी को होप नहीं देती, क्योंकि झूठी हो वो देगा जिसने पैसे कमाने होंगे लोगों से, तो मेरा तो ऐसा कोई सिलसिला नहीं, मेरे पास नॉलेज है। आई जस्ट वांटेड टू शेयर, जिसको जो चाहता है कहीं सच्चाई तक पहुंचना तो वो आ जाए, हम लोग खड़े में हेल्प करने के लिए विदाउट एनी रीजन, कि इंसानियत के नाते कुछ कर दें, तो सबसे बड़ी बात तो ये है। तो मैं आपको किस्सा ये बताने वाली हूँ कि एक बच्चे ने इंडिया में है, मैंने उससे पूछा नहीं कि मैं उसका नाम लूँ या ना लूँ, बहरहाल वो जब ये वीडियो देखेगा तो मैं खास तौर पे उसको समझाने के लिए और जैसे उस जैसे जो लोग हैं उनको भी समझाने के लिए ये वीडियो बना रही हूँ। फिर मैं दूसरे लड़के का भी किस्सा बताऊंगी आपको कि वो क्या सिलसिला है। तो उसने कब्रिस्तान जाकर बहुत सारे टोटके किए, जैसे कि लोगों ने बताया 40 दिन का ये चिल्ला काट दो, 21 दिन का ये चिल्ला काट दो, जिन भी मिलेगा, परी भी मिलेगी, ये मिलेगा, वो मिलेगा, ये सारा कुछ तो नहीं मिला बेचारे को, लेकिन उसने जो एनर्जीज डेवलप कर लिया वो उसके साथ बहुत बुरा हादसा ये हो गया कि अब मैं उसको मेडिटेशन की तरफ खींच भी रही हूँ तो वो बैठ नहीं सक रहा, उसको वो एनर्जीज तंग कर रही है जो उसके साथ चिपक गई है या उसने खुद क्रिएट की है अपने माइंड के साथ, क्योंकि हमजाद भी तो क्रिएट होता है ना, वो भी तो हम बहुत सारी मेडिटेट कर 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 करके उसको करते रहते हैं, उसके ऊपर प्रैक्टिस करते रहते हैं, तो आपकी एनर्जी बाहर निकल कर आके आपको हेल्प करती है, ये ट्रू है। लेकिन जब तक आपके साथ आपका गुरु नहीं है तो आप बर्बाद हो जाएंगे, आप को लेने के देने पड़ जाएंगे। तो उस बेचारे बच्चे के साथ ये हुआ, वो 21 ईयर्स ओल्ड है और ही इज इंडियन हिंदू है, और लेकिन लिया टोटका उसने पाकिस्तान से लिया था, क्योंकि पाकिस्तानी बड़े
बताते हैं कि भाई हम लोग ये करते हैं वो करते हैं। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो इस तरह करते हैं, और उसने इसीलिए उस लड़के की दोस्ती भी किसी पाकिस्तानी लड़के से हुई थी जो किसी गांव का है, बट उसकी एनर्जी डिफरेंट है बनिस्बत इस लड़के की जो इंडियन है। तो वो 21 ईयर्स का, मुझे इतना अफसोस हुआ, उसने मुझसे हेल्प लेने की कोशिश की, मैंने उसको हेल्प देने की कोशिश की कि भाई तुम इस तरह कर। उसने मेरे साथ बहुत सारा मेडिटेट करता रहा, लेकिन उसको क्योंकि मेरी जो बताई हुई चीज है वो है पॉजिटिव, और वो कर चुका है नेगेटिव। आप कब्रिस्तान में जाकर, कब्रिस्तान में कुछ भी नहीं होता, कोई बलाएं नहीं आ जाती आपके पास और चुड़ैलें नहीं आ जाती आपके पास। एक फॉर्मूला टाइप है कि वहां की एनर्जी डिफरेंट होती है, तो आप उसको कैप्चर करते हैं, उन एनर्जीज को कैप्चर करते हैं। एक्चुअली हम आप क्या है, विद फॉर्म हमारे पास ठोस एक चीज है जिसको हम हिला जुला दिखा सकते हैं, और ये गोश्त है। अदरवाइज हम अगर ये हम सूरज की लाइट हम में क्रॉस मतलब टकरा के अगर सीधी निकल जाए तो हम सी थ्रू हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन चूंकि हम सूरज की लाइट हमें क्रॉस, हमारी बॉडी से क्रॉस नहीं करती, तो इसलिए हम दिखाई देते हैं। तो इसी टाइप की एनर्जीज जो है वो कब्रिस्तान में क्रिएट होती है, क्योंकि वहां पर जब भी कोई आता है इंसान तो दुखी होके आता है, दुख से ही जाता है, तो वहां पूरी इन्वायरमेंट जो है वो दुख की है, तो वहां पे नेगेटिव एनर्जी का राज है। तो इसलिए जब उस बच्चे ने वहां पे किया तो उसके साथ ये हादसा हुआ कि वो उसको कुछ चीजें बहुत करती रहती है, कभी इधर से खुजली कर कभी उधर, मतलब वो कॉन्सेंट्रेट नहीं कर सकता अपनी लाइफ में, उसकी जिंदगी खराब हो गई। तो भूपेश नाम है बच्चे का। भूपेश बेटा आप एक काम करो, आप जाहिर है मैं न्यूयॉर्क में हूँ तो मेरे पास आप नहीं आ सकते, मैं आपके पास नहीं आ सकती, और मेरे पास इतनी एनर्जी भी नहीं है कि मैं आपकी जो बिखरी हुई एनर्जी है उसको कनेक्ट करके कलेक्ट करके एक जगह आपकी रीढ़ की हड्डी में फिक्स कर दूं। तो आप एक काम करो कि नित्यानंद एक गुरु हैं जो बहुत ही पहुंचे हुए हैं, यू कैन गो टू हिम, वो आपकी एनर्जीज को बिल्कुल ठीक कर देंगे, ये पक्की बात है। ही नोज, ही इज अ ग्रेट गुरु, बहुत ग्रेट है। तो यू कैन गो टू हिम नित्यानंद, यू कैन फाइंड ऑन यूट्यूब, उनकी बहुत सारी वीडियोज हैं, बहुत सारे एड्रेस सब कुछ है, फोन नंबर ये वो कहाँ पे है, बहरहाल वो आपको मिल जाएगा। तो अच्छा, दूसरा लड़का जो पाकिस्तानी है वो बेचारा पिछले 2.5-3 साल से मेडिटेशन में, शुक्र है सिर्फ मेडिटेशन में था, उसने भी कुछ मेरा ख्याल है किया है, कुछ चिले शिले भी काटे हैं, लेकिन फिर भी वो बच इसलिए गया कि वो मेडिटेशन कर रहा था। और मेडिटेशन जो है वो ऐसी चीज है पूरी कायनात में कि उससे फलता फूलता ही है। अब मेडिटेशन तो हो गया, एनर्जी तो उठ गई, ये सारा कुछ अब कलेक्ट कैसे करना है, इसको फिक्स करना है, कैसे करना है। अब फॉर एग्जाम्पल इस बच्चे अकील के पास ये प्रॉब्लम है कि उसके पास पूरी की पूरी एनर्जी है। लाइक मैंने एक, उसने बहुत मेहनत करके गोल्ड की इतनी बड़ी ईंट रख ली अपने पास, अब उसके पास वो सुनार नहीं है जो उसे पिघला दे, पिघला के उसको खूबसूरत से नक्शो निगार के साथ ऐसा बना दे कि उसको वेयर कर सके। तो फिर मैंने उसे बताया कि उसने मुझसे हेल्प मांगी, मैंने उसे नहीं सिखाया शुरू में, लेकिन अब मैं उसे सिखा रही हूँ। आई एम नॉट अ गुरु फ्रॉम द बिगिनिंग, बट अब मैं उसे बताया तो उसकी एनर्जीज चेंज हो गई हैं, अब उसको डिफरेंसेस महसूस होने लग गए हैं। और मैं आइंदा 2-2.5 हफ्ते में या 3 हफ्ते में मैं उसका, हो सकता है उसका वीडियो मंगवा के यहाँ पे अपने उस पे पोस्ट करूँ कि उसके एक्सपीरियंसेस, मैं उसे कहूंगी कि वीडियो करके भेजे, और मैं फिर उसको आपकी नजर करूंगी कि देखे प्रैक्टिकल में क्या होता है और क्या एक्सपीरियंसेस एक्चुअली होने चाहिए। पहले उसने इतने साल जो प्रैक्टिस की और अब जो प्रैक्टिस की, इसका क्या डिफरेंस आया। किया तो उसने भी इसी चक्कर में था, जिन परी ये वो फला ढिगा, लेकिन बच इसलिए गया कि उसने मेडिटेशन की थी, टोटके नहीं किए थे। टोटके करता तो फिर तो मुश्किल था। एनीवेज, तो मैं आपको ये बता रही हूँ कि
एक अमेरिकन, एक नहीं अमेरिकन, काफी अमेरिकन बच्चे कभी लुढ़कते पुढ़कते जैसे गेम खेल रहे हैं, कुछ इस तरह कर रहे हैं, तो ये हमारी जो रीढ़ की हड्डी के लास्ट में तो कौन शेप में एक वो होता है, उसके नीचे एक गोल सा दायरा बना होता है, उसको कुंड कहते हैं। कुंड कुंड एक्चुअली बहुत पुराना नाम है, जैसे कुंड कुंड से कुआं भी निकला है, ठीक है, और या कुंडी निकली है, कुंडी में मसाला जो बनाते हैं ना वो गोल होती है। तो इसी तरह हमारी बॉडी के बिल्कुल निचले पार्ट में, सेक्स एरिया में कुंड होता है। कुंड के अंदर आपकी सेक्सुअल एनर्जी होती है, आप उस तरफ यूज कर लें या इस तरफ यूज कर लें, यहाँ चढ़ाएं या बाहर को भेज दें। तो उसकी एनर्जीज जो है वो इकट्ठी हो गई हैं और उसको समझ नहीं आ रहा था, काफी प्रॉब्लम हो रहा था। तो अभी जो है उसको मैंने बताया कि तुम कपालभाति, भस्त्रिका और अनुलोम विलोम करो, मेरी वीडियोस बनी हुई है। उस एक हफ्ते के अंदर मुझे थोड़ी सी तब भी चढ़ गई थी कि उसने सिर्फ मेरी दो वीडियोस देखी हुई थी, और जिसमें उसको जब मैं बताने लगी कि चलो मैं तुम्हें प्रैक्टिकली सिखा देती हूँ खुद से, कि इसने देखा तो हुआ है तो मैंने सिर्फ करवाना है, तो उसकी एनर्जी उठाकर और एक दफा उसको ट्रेन कर दूं, तो पता लगा उसे कपालभाति का नहीं पता, तो मीटर घूम गया। मैंने कहा ये क्या, मैंने फिर उसको उसी टाइम मैंने कहा नहीं पहले जाओ जाके लर्न करो, मैंने सारी वीडियोस बनाई हुई है। और उसने थैंक गॉड के वो अच्छा बच्चा था तो उसने किया, he's 31 तो वेरी यंग, तो उसको बहुत बड़ा डिफरेंस महसूस हुआ है। आने वाले वक्त में जब उसकी पूरी की पूरी एनर्जी इकट्ठी हो जाएगी तो इंशाल्लाह आई विल डू समथिंग, आपको सरप्राइज करूंगी। और मेरा उसमें ज्यादा क्रेडिट बिल्कुल भी नहीं है, ये उसके पास गोल्ड था, मैंने उसको पिघलाना है और बस बनाना है, ज्यूल बनाना है कि वो पहन सके और जहां उसकी मंजिल है उसे मिल सके। तो मैं आपको सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि विदाउट किसी के ऐसा गुरु होना, ऐसा टीचर होना चाहिए आपके पास जिसको सचमुच का नॉलेज हो, आपसे पैसे ना ले और आपको ख्वाब ना दिखाए। मैं ख्वाब नहीं दिखाती क्योंकि ख्वाब है ही नहीं इसमें, इसमें सीधी सीधी मेहनत है, जितनी मेहनत कर लो बोरियां उठाने वाला हिसाब है इसमें। क्या आपने दिन में 100 बोरी उठानी, उठा सकता है? कोई बहादुर आदमी है तो आ जाए मैदान में, हम तो वो बताएंगे। हम ये नहीं कहेंगे कि आप बस 3 दिन में परी हाजिर या फलानी लड़की हाजिर या रेडिकुलस। आप स्पिरिचुअल एनर्जी को आप कहाँ पे यूज कर लो, दैट्स रेडिकुलस। एनीवेज तो मैं मना कर रही हूँ कि प्लीज ऐसा ना करिए, विदाउट किसी टीचर कब्रिस्तानों में जाके ना बैठे और ऐसी जगहों पे जाके ना बैठे जहां पे नेगेटिव एनर्जी ऑलरेडी काम कर रही, कोई चड़ेल वड़ेल भूत प्रेत कुछ नहीं होता, मतलब है तो सही लेकिन वो एनर्जीज ही हैं, उनको एनर्जीज ही कहा जा सकता है। वो नेगेटिव आपको असर करेगा करेगा जब तक कि आपके साथ आपका टीचर गुरु नहीं होगा, तब तक आपका तख्त जो है वो फट जाएगा और आप उसमें धस जाएंगे। बनने के बजाय आप अपने घर अपनी फैमिली के लिए हार्मफुल हो जाते हैं, तो वो बच्चा जो है बहुत परेशान है। आई विल हेल्प हिम ऑफ कोर्स, जैसे कि मैंने बताया कि मैं न्यूयॉर्क में हूँ और वो इंडिया में है, और वो नित्यानंद के आश्रम में जाए, वहां जाके उसकी एनर्जीज ठीक हो जाएंगी, कुछ अर्सा 6 महीने लग जाएंगे क्योंकि पूरी बॉडी में फैल गई है, नेगेटिव असर कर रही है। इसके ऊपर मैं बहुत कुछ बोलना चाहती हूँ कि एनर्जीज एक्चुअली कैसे बिल्ड की जाती, क्या किया जाता है, लेकिन इस वक्त मैं बहुत लंबी हो जाती है, अभी भी 14 मिनट की हो गई है वीडियो। तो मिलती हूँ फिर ब्रेक के बाद।